हे गाइस, वेलकम बैक अगेन वेब नाइन अकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट रहसिंह। तो मेरे पास एक क्वेरी आती है युवा सॉफ्टवेयर वेबसाइट को लेकर। काफ़ी ज़्यादा लोग इस क्वेरी को लगातार कमेंट कर रहे थे। जैसे कोई यूजर आपके अकाउंट में रजिस्टर करता है तो उसको एक्टिवेशन लिंक ईमेल के थ्रू उसको रिसीव नहीं हो रही, जिससे कि कोई भी यूजर आपके अकाउंट में ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सारे कमेंट मैं पर्सनल रीड करता हूँ तो उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, रिप्लाई दे दूंगा। वरना जैसा कि अगर वीडियो के थ्रू अगर मैं कोई सोल्यूशन बता सकूँ तो उसके थ्रू भी आपको उसका सोल्यूशन देता रहता हूँ। जस्ट कुछ नहीं करना, अभी आज का वीडियो अगर आपको जानना है तो पूरा देख लो, वरना नीचे कमेंट कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे मैंने अपना टैब खोल रखा है। तो जैसे डेमो के लिए अपनी वेबसाइट को आपको डेमो थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए किसी भी यूजर को सिंपली साइनअप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको अपने बेसिक डिटेल भरने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बेसिक डिटेल भर लिया है। अब देखो ईमेल आईडी की बात करें तो देखो साइड में मैंने एक टेम्प मेल ओपन कर रखा था। तो आप कोई भी अगर ऐसे नॉर्मल डेमो के लिए मैं टेम्प मेल ही यूज़ करता रहता हूँ। तो यहाँ देखो ईमेल आईडी अपना साइज सर जो डिटेल होते हैं वो हमने भर लिया है। और जैसे नीचे आते हो यहाँ पर रजिस्टर क्लिक करोगे तो आप अकाउंट बन जाएगा। और साथ ही नीचे देखो साइन इन विद गूगल भी मैंने लगा रखा है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करवाना चाहते हो, इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ और उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। आप आसानी से सीख जाओगे कैसे सोशल मीडिया यहाँ पे इनबिल्ट करते हैं, आप आसानी से कर लोगे, राइट। चलो डेमो के लिए सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। देखो रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया, देखते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया, देखो अगर योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड प्लीज़ चेक योर ईमेल इनबॉक्स में, स्पैम में आपको खोजना होगा। ठीक है, जैसे चलिए अब डेमो के लिए देखते हैं। देखो जैसे मैंने वहाँ पर अकाउंट बनाया, अब मेरे पास देखे यहाँ पर एक ईमेल रिसीव हो चुका है। इसी प्रकार से आपके किसी भी यूजर को ईमेल आपके केस में अगर रिसीव नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ देखो आपका यूजर ने जो आपने बनाया है, साथ ही देखो यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक भी आ चुका है। अब थोड़ा सा बातों का ध्यान से जो मैं बताने वाला, देखो मेरे डोमेन का लिंक आप देख लो यहाँ पर क्या है, ajlinks.info। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास जो ईमेल रिसीव हुआ है वो noreply@ajlinks.in की तरफ से हुआ है। तो हमारा डोमेन @.info के साथ है, लेकिन हमें जो ईमेल आ रहा है वो .in के साथ आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए सिंपली मुझे लॉगिन करना होगा अपने मेन अकाउंट में। तब यहाँ पे देखो सिंपली सबसे पहले चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद सिंपली एडमिन एरिया पे क्लिक करते हैं और साथ ही देखो सेटिंग में नीचे चले जाना और यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ईमेल का, सिंपली इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे आते हैं तो देखो डायरेक्टली यहाँ पर क्या ईमेल फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ देखो ईमेल फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, जो हमारे सेटिंग में .in है और यहाँ पे .info यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इन केस आपको ईमेल आईडी यहाँ पर रिसीव नहीं हो रही, कोई भी एक्टिवेशन ईमेल नहीं रिसीव हो रहा, सबसे पहले देखो ये आपके ईमेल के थ्रू सेंड नहीं हो रही, आपकी होस्टिंग कर रही है। यहाँ पर अगर मैं डिटेल दिखा सकूँ तो यहाँ पर देखो कोई भी डिटेल दिख तो नहीं रहा। ठीक है, ये आपके होस्टिंग के थ्रू HTML के कोड के थ्रू सेंड होता है, तो उस बात का ध्यान रखना। इसे फिक्स कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बन जाए, सारी चीज़ें आपके सामने ही कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ से मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर noreply@ajlinks.info कर सकता हूँ। इन केस इसे मैं अगर हटाना भी चाहूँ तो आसानी से हटा सकता हूँ। चलो हम लोग इसे हटा ही देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो गैप था वो मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर लिख दिया noreply@ajlinks.info। ठीक, इसे थोड़ा सा मैं कॉपी कर दूँ, सबसे पहले इसे मैं कर देता हूँ सेव। ओके, तो जैसे मैंने सेव किया, अब देखते हैं हमारा ईमेल आईडी सेंड होता है या नहीं होता है। इन केस अगर होता है तो किस कंडीशन में और किस ईमेल आईडी से सेंड होता है। ओके, तो अगेन सारे सारे प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने यूज़र आईडी यहाँ पे इंटर कर दिया, उसके बाद अगेन टिप मेल से जाता हूँ। यहाँ पर कुछ अलग ईमेल आईडी मैंने प्लेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं पासवर्ड कुछ बना देता हूँ, उसके बाद I am not robot पर क्लिक करें, अग्री करेंगे, उसके बाद सिविल रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस बार रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, देखो अगेन सेम मैसेज हमारे पास आ गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ईमेल रिसीव होता है नहीं, जैसे हमने अपना ईमेल आईडी वहाँ पे चेंज किया है, अपडेट किया था। अब देखते हैं इस केस में यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी आता है नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है और डैट जो चीज़ें हमने चेंजेस किए, तो वहाँ पर देखो noreply@ajlinks.info सेम उसी एड्रेस से यहाँ पे हमारे पास जो वेरिफिकेशन ईमेल आ रहा है वो आ रहा है, राइट। तो इन केस जो भी चेंजेस आप यहाँ पे मेन अकाउंट में कर रहे हो वो सारी चीज़ें वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें अभी आप करके देख लेना। अगर आपका इतना से काम बन जाता है तो अच्छी बात है, इन केस इतने से काम नहीं बनता तो आगे मैं और स्टेप आपको बता रहा हूँ क्या करना है। अब आपको डायरेक्टली अपने सी पैन में लॉगिन कर लेना है।
जैसे सी पैनल में लॉगिन कर दो, अब आपके पास मेरे केस में तो ये डायरेक्टली आप ईमेल अकाउंट दिख रहा है। ओके, इन केस आपको अपना ईमेल ऑप्शन नहीं मिलता, सिंपली देखो सर्च बार आपके सी पैनल मिल जाएगा, वहाँ पर सिंपली ईमेल जाकर सर्च कर लेना, आपको ईमेल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप देखो ईमेल अकाउंट मेरे केस में यहाँ पे आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने सी पैनल में सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब वहाँ पे जैसे आप जाते हो आपको सिंपली एक क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी आपके पास डोमेन है उन सारे का यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। उसमें से आपको अपने मेन डोमेन को चूज करना है जो कि आपका यूआर शॉर्टनर का डोमेन होगा। अब मेरे केस में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ajlinks.info यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ देखो जो आपको यूजर नेम लेना है वो आपको वही वाला लेना है जो आपके ईमेल आईडी में यहाँ से दिख रहा था। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ से इसे शुरू करना, उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी का एड्रेस बनेगा noreply@ajlinks.info बन जाएगा। और यहाँ देखो सेट पासवर्ड आप अभी सेट भी कर सकते हो या फिर अल्टरनेटिव ईमेल पे सेंड कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आपके सी पैनल की सेटिंग है तो उसमें कुछ नहीं, सिंपली जनरेट पासवर्ड को हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो हमारा पासवर्ड यहाँ पर बन चुका है, सिंपली चलो हो सकता कहीं इसका काम आए तो सिंपली इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। वैसे इस केस में आपको इसका पासवर्ड का कहीं काम आने वाला है नहीं, सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं हम। देखो जैसे क्लिक करते हैं आपका देखो ईमेल आईडी यहाँ पर noreply@ajlinks.info बन चुका है। जैसे सिंपली जो भी ईमेल आईडी आप बनाते हो सिंपली आकर इसे यहाँ से रिप्लेस कर देना, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे केस में नो रिप्लाई मैंने लिखा, कुछ भी यहाँ पर लिख लेना, सिंपली सेव चेंजेस पर एक बार क्लिक कर देना। ओके, तो डेमो के लिए चलो थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ। अगेन मैं दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पर कॉपी करता हूँ और सारे इन्फॉर्मेशन फिर से फिलअप करने के बाद सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं जो भी चेंजेस हमने होस्टिंग किए उसके बाद हमें वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव होता है या नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। देखो इस पैनल में थोड़ा सा मैंने रिफ्रेश किया तो देखते हैं हमारे पास ईमेल आईडी अभी रिसीव होता है नहीं है। देखो यहाँ इन केस में हमारे पर भी देखो यहाँ पर भी अगेन हमें अपना जो वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो चुका है। इन केस जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप सारी चीज़ें ट्राई कर ले तो फिर भी आपका सॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा नीचे आप कमेंट करना, देखते हैं क्या सोल्यूशन बन पाती है। हो सकता है फिर आपके होस्टिंग से प्रॉब्लम आ रही हो या तो फिर आपके स्क्रिप्ट में कुछ फाइल सपोर्ट नहीं करें। देखते हैं जो भी सोल्यूशन होगा आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कोई क्वेरी रह जाती तो आप नीचे जरूर से कमेंट करना। और हाँ, याद रखो साथ ही आप इस चैनल को सपोर्ट करते जाओ क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं जो लगातार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।